और गीजर और आरो भैया कर रहे हैं अभी भी 9:30 बजे तक काम कर रहे हैं। ये दोनों आज बहुत परेशान कर रहे हैं, पता नहीं हो गया इस घर में आ गए, पर कुछ गलतियां हमसे हो गई जिसके लिए मुझे थोड़ा दुख भी हुआ और बहुत प्रॉब्लम हो गई, तो वो हम आपसे शेयर करना चाहते हैं। इसकी उंगली दरवाजे में आ गई दोस्तों, इसलिए रो रही है, देखो खून ही खून हो गया था। इतना सारा सामान है, जमाना हमारे लिए बड़ा चैलेंजिंग रोल होगा। नो नो रीड नहीं, सब जमाना बड़ा टास्क है। कर दिया मोनो अच्छे से टाइट किया मेरे भाई, सो जा मेरे भाई, तू कब से जगा, रात को भी लेट सोए तो सुबह भी जल्दी उठ गए। ये देखो रचना सेज उड़ा ना जाए पूरे। अब हमारा सामान हो गया खाली, मैंने हमारी बाइक रखी थी वहीं पे, तो कार तो यहीं रखी है, अब हम इसमें वापिस जा रहे हैं, बैठ के आएंगे वहां से, मैं आ पाऊंगा। आ गया मैं आ गया। तो आज आपको चलाते हैं ऑटो की सवारी, मैं चलाऊंगा। अबे गन्ने का जूस पी रहा है, गन्ने के जूस पर रोक लेना है, गन्ने का जूस पी रही है सब। रोक तो थोक तो थोक तो थोक तो। मेरी गाड़ी मिली टोक रही है। नींबू वीबू सब डल रहा है अभी, भाई लोगों को जूस पिला रहे हैं, बहुत मेहनत करी, थैंक यू सही रोज, थैंक यू बबलू भाई, थैंक यू सो मच। ये नहीं होता तो घर खाली थोड़ी होता आज। दोस्तों बाय बाय सोसाइटी, बहुत अच्छा समय बिताया यहाँ पे हमने, काफ़ी अच्छे अच्छे मोमेंट देखे, अच्छे बुरे दोनों ही देखे, अच्छे ज़्यादा थे, चलो ठीक है। सूरज ने लिए नई गाड़ी, तो भाई साहब सूरज को एक बार एक शुभकामनाएं भी करनी हुई, उसके बाद गाड़ी आ गई। अरे वाह यार, मुबारक। ये बहुत लगा उधर, मजा लग जाएगी मेरी माँ, रुक जा रीच, नो रीच नहीं, मान ही नहीं रही यार, लग जाएगी बेटा प्लीज, ये मार्बल में ये फेयरलेस क्यों होती तुम ये दिन। तो दोस्तों घर में तो आ गए हैं, मगर अभी तक जमान जमाना, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट चैलेंज। इसको देखो कितनी बुरी लग रही है, इसलिए जो इतना रो रही है वो सुबह से। खाने का क्या कहा तुमने, कुछ भी नहीं खाया ना अपन ने, खाया कुछ भी सुबह से, इनको तो मैंने खिला दिया था, तुमने तो खिला दिया होगा, पोहा बना दिया, पोहा यहाँ बना लिया, फिर से दिन में खिला दिया वहाँ पे, क्या करती मैं। और अभी पंखे नहीं लगे यार दोनों, वो लगाने वाला कह रहा था मैं कल आऊँ, आप कल गए, अब ये फिर जा रहे यार, हम यही नहीं कर सकते ना रीत, नो 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 नो, मेरी माँ लग जाएगी। दोस्तों ये चीज जो हम लेकर आए इसको हम खोल के लगाते हैं, अभी लगाना पड़ेगा, बिल्कुल लगाना पड़ेगा अभी। और दोस्तों आगे पीछे के वीडियो देख लेना, अगर आपसे कुछ वीडियो छूट गए हो तो, अगर आप नए हो तो वो भी जाके देखना, इतना सारा सामान है, जमाना हमारे लिए बड़ा चैलेंजिंग रोल होगा। ये देखिए, और कुछ देना पड़ेगा, और इसकी उंगली दरवाजे में आ गई दोस्तों, इसलिए रो रही है, देखो खून ही खून हो गया था। तो दोस्तों अभी सामान जमाने की शुरुआत कर दी गई है, और धीरे धीरे रचना आज खाना बना रही है, दिखा लो क्या बना रहे हैं, तो मेथी का आटा गूंथ के मेथी के पराठे बना रहे हैं, देखते हैं कैसे बन पाते हैं, क्योंकि अभी गैस का रेगुलेटर नहीं मिल रहा है, वो बहुत देर से ढूंढ रहे हैं। हाँ अव्यवस्थित हो गए एक चम्मच चीज़ें, क्योंकि जो रखने वाले ना उन्होंने पता नहीं कैसे मैनेज किया है, हम समझ में नहीं आ रही थी हम तो। और अभी हाँ पानी पी लो, रीत सो गई, अच्छी बात नहीं, तो बहुत परेशान कर रही थी वो, और हो भी रही थी, क्योंकि उसको भी आदत नहीं बेचारी को इतना, है ना सुबह से, ये पता नहीं कहाँ का है। इतना सारा सामान में इंडक्शन नहीं मिला, हम चाहे इंडक्शन लगा ले, गैस लीक होने का डर है अभी, पता नहीं कहाँ यार। तो भैया आटा मसाला जा रहा है, इंडक्शन भी मिल गया है, तो सुबह से हमने तो कुछ नहीं खाया, बच्चों को थोड़ा बहुत खिला दिया था पोहा वगैरह, पर हालत ख़राब हो रही सबकी, फैन नहीं लगे हैं, एसी तो छोड़ दो, एसी के साथ तो हमारे साथ बहुत बुरी चोट होगी, भगवान ना किसी के साथ ऐसा करे यार।
आ चुकी है रचना, बना रही है मेथी के पूरी। क्या करो, इस मौसम में पहली बार मेथी खाई, मिल गई थी तो मैं ले आई थी। अब जो भी बन जाए उसका क्या होगा कि एक ही से काम हो जाएगा, भूख बहुत तेज लग रही सभी को, बच्चे भी खा लेंगे। सोसाइटी के आंटी जी ने हमको ये वाली मिर्ची रख के दी है, अचार है और पूड़ी है जो हमने अभी रखी है। मैंने हाँ, थैंक यू मोरी आंटी। हालांकि ये मैंने बोला था कि मुझे फेवरेट है, पर वो रचना का, क्योंकि हम दोनों का फेवरेट है वो, ऐसा नहीं है इसलिए आंटी ने। तो चलो दोस्तों, तो धीरे धीरे तो नहीं कहूँगा क्योंकि अभी तो बहुत टू अर्ली टू से समथिंग, बट ठीक है अभी खाना खा लेंगे, बड़ी बात इस घर में। मगर अभी 3 से 4 या हफ्ते भर लग जाएंगे। हाँ देखना दूर है ना, रात के बज रहे हैं 9:30। अभी टीवी लग गई है, पंखा लगवा दिया है और गीजर और आरो भैया कर रहे हैं, अभी भी 9:30 बजे तक काम कर रहे हैं। ये दोनों आज बहुत परेशान कर रहे हैं, पता नहीं इसके हाथ जो चुभ गए हैं। देखो अभी थोड़ा सा कैमरा देखा, खुश हुए हैं, गिर मत जाना, इसके हाथ में जो लगी ना बहुत पेन कर रहा है इसको लगता है। गीजर भी आज तो सभी के सब परेशान हैं। आई आइए अब जाके खुश हुई, वो देखो अभी भी दुखी हुई है, अभी भी पता नहीं मुर्झा रखा दोनों, नजर लग गई है कि थक गए, थक ही गए होंगे, नजर काम लगी होगी। डांस करके दिखा दो, दिक चिकी दिक चिकी दिक चिकी दिक चिकी दिक चिकी दिक चिकी। तो देख लो कितने एक्सप्लोर कर रहे हैं, अभी इतने रो रहे थे, रात के बजने 11, भाई हमको सोने तो, हम भी थक गए हैं, आप लोग तो दिन में सो लिए थे। मीत दीदी इधर क्या हो रहा है, इधर कुछ है तो हम वहाँ पे सोफा नहीं रख पा रहे थे, ये ऊपर चढ़ रहे हैं, वहाँ गिर रहे हैं, यहाँ से गिरने का डर है। नई समस्या, नई नई प्रॉब्लम, नई नई मस्ती। बिस्तर लग गया तो नीचे सो नहीं, बिस्तर यहाँ लगाया हमने और बिस्तर लगाया, टीवी चालू हो गई थी, रात के बजे 11:30। ये देखो कहाँ चढ़ गए, गिर गए गिर जाएगी बेटा, उधर सर फट जाएगा यार, मत मान। वीडियो तो खत्म करते हैं आज का यही, और पहली नाइट है इस घर में, सब अच्छे अच्छा होने वाला है, सब अच्छे अच्छे होगा। ये देखो तो आप देखो, वही तो कह रहा हूँ कहाँ चढ़ गए हो देवी जी, यार हमको सो जाने दो यार, अगली तो ऐसे में करती है, चलो कोई बात नहीं, जय माता दी। इसका अलग मज़ा है, अब आज नहीं है कल बहुत मज़ा होगा। बने रहो, सब्सक्राइब नहीं करो कर दो, हमारी फैमिली को सपोर्ट करो, प्यार करो, ढेर सारा आशीर्वाद दो हमारे बच्चों को, जय माता दी। और नया घर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, किस किस ने देखा, और आप अपने सजेशन दे सकते हो कि हम इसको कैसे डेकोरेट करें, सोफा भी जैसा रखा है वो सही है या नहीं है, या और भी आपकी अगर इसमें इंटीरियर में मास्टरी हो तो कमेंट करके बताना, डिटेल में बात करेंगे। जय माता दी। तो दोस्तों घर शिफ्ट हो गया, इस घर में आ गए, पर कुछ गलतियां हमसे हो गई जिसके लिए मुझे थोड़ा दुख भी हुआ और बहुत प्रॉब्लम हो गई, तो वो हम आपसे शेयर करना चाहते हैं, ताकि आप लोगों में से अगर कोई अकेला है और घर इस तरीके से शिफ्ट करता है तो वो प्रॉब्लम्स उन्हें फेस ना करने पड़े। तो पहली प्रॉब्लम ये हुई फ्रेंड्स, अभी गर्मियों के दिन गए नहीं हैं, हमने एक अच्छे एसी सुपरवाइज़र टेक्नीशियंस को नहीं बुलाया, वो इलेक्ट्रीशियन थे, उन्हें नहीं पता था कि एसी को खोलने से पहले गैस को लॉक करना होता है, तो उन्होंने पूरी गैस लीक कर दी, लॉक नहीं किया, जिसकी वजह से अब अगर हम एसी लगवाने जाते हैं तो 3,000 प्लस का खर्चा है, तो वो हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो अभी 10-15 दिन जितने भी दिन गर्मी के हैं हम बिना एसी के ही रहेंगे, और हमारे यहाँ कूलर भी नहीं क्योंकि फ्लैट में हमें कभी ज़रूरत नहीं पड़ी, तो यहाँ पे बच्चों को और मुझे दिक्कत होने वाली। दूसरी चीज़ फ्रेंड्स, इस घर को खाली करने के लिए हमने पहले अप्रोच किया था पैकर्स मूवर्स, जो कंपनीज होती हैं, बहुत सारी कंपनीज अवेलेबल हैं, तो वो 10,000 रुपीज़ ले रही थी। पहले जब हम भोपाल से इंदौर आए थे तब हमने उन्हें बुक किया था, पर अभी हमने सोचा शायद हमारा 5,000-6,000 में काम हो जाएगा, बट हमें अंदाज़ा नहीं था कि सामान हमारा बहुत ज़्यादा है, हमारी गृहस्थी पूरी बसी हुई है। अब हमने लोकल बंदों को लिया था, उन बंदों ने अच्छा काम किया, लेकिन वो बस चीज़ों को कहीं भी कोई भी चीज़ उठाई, इवन वो कचरे की जो गार्बेज बैग था जिसमें कचरा था वो भी भर के इस घर में ले आए। जो पैकर्स मूवर्स वाले होते हैं, क्योंकि उनका काम मैंने देखा है, वो आते हैं बड़े बड़े कार्टून बॉक्सेस के साथ
और वो उसमें जैसे किचन के क्रॉकरी वाले सामान हैं उनको एक एक जैसे सामान को एक जैसे बॉक्स में भरते हैं, टेप लगाते हैं और उसमें अपने हमसे खुद लिखवाते हैं कि ये ग्लासेस हैं, ये कप्स है, ये किचन का है, ये मेकअप का है। तो सब चीज़ें जब आप नए घर में आते हो आपके लिए ईजीली होता है कि कौन सी चीज़ आपको निकालनी है। जैसे कि आप लोगों ने ही कमेंट किया था कि पहले किचन को जमाना, तो सब चीज़ें लिखी होती। यहाँ तो उन लोगों ने ऐसे, क्योंकि मैं बच्चों के साथ बहुत बिजी थी, और अगर पॉसिबल हो तो, अब हमारे साथ तो शुरू से ही कोई सपोर्ट नहीं रहा है, बट फिर भी अगर कोई हो सपोर्ट में तो रिक्वेस्ट करके बुला लिया। बच्चों के साथ बहुत प्रॉब्लम हुई, मीट को दरवाजे में उसकी हाथ आ गया, उसको लग गई, जो मुझे बहुत बुरा लगा। बच्चे भूख तो, खाना तो मैंने टाइम टू टाइम दिया, लेकिन इतनी गर्मी में बार बार प्यास लग रही होगी। बहुत सी चीज़ें होती हैं यार, बच्चों को तकलीफ होती है। और चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगी, जैसे हमने ये घर सेल आउट किया, हमने जिनको सेल किया था आप डॉक्यूमेंट में लिखवा लीजिए उनको कितने तारीख को चाहिए। हमने भी उनसे यही कहा था 15 तारीख आप लिख लीजिए, बट पता नहीं क्या हुआ, उनने नहीं लिखा, उन्होंने सडनली कह दिया आप 10 को खा ली। और इस तरीके से उनने वो किया है कि आप निकल, मतलब मैं अपने घर को जो फाइनल ग्रेटिट्यूड शो करना चाहती थी लास्ट टाइम खाली होने के बाद, मैं उसको सफाई करके एक दो अगरबत्ती लगा के उस घर को थैंक यू कह के, वीडियो के लिए नहीं, ये मेरा पर्सनल था, मैं ऐसे करके आना चाहती थी। पर जिस तरीके आपने अभी तक खाली नहीं किया, आंटी दो बार आई, दूसरी बार आके वो बैठ गए, मैंने कहा आंटी आप बैठ जाइए, चेयर भी वहीं रह गई। तो वो मुझे बहुत बुरा लगा कि घर हमने बेचा है और जिस तरीके से हमें घर से निकाला जा रहा था, मुझे बहुत गंदा फील हो रहा था। तो घर से जब बाहर आए ना, तब मुझे बहुत बुरा फील हुआ कि मैं उस घर को थैंक यू भी नहीं बोल पाई, क्योंकि हम जब पहले भी किराए के घर में रहे, ये तो हमारा अपना था। मैं इवन मालवीय जी जानते हैं कि जब मैं किराए के घर से भी आई थी तो मैंने घर की सफाई की थी और दो अगरबत्ती लगा के मैं घर को थैंक्स बोल के आई थी। तो ये तो हमारी खून पसीने से खरीदी हुई, हमारी खुद की थी। तो अगर इस तरीके से सेल करते थे, अल्टीमेटम कन्फर्म ले ले। अब क्या होता ना फ्रेंड्स, आप बोलेंगे कि हम यहाँ पे मैं अपनी गलती कम मानती हूँ, मैंने जो ऑब्जर्व किया है अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस में, सामने वाले लोगों को, चाहे वो सोसाइटी वाले हो, आस पड़ोस वाले हो, या हम कहीं जॉब करते हो, या आप लोगों में से कोई हो, दिख जाता है कि यार ये 5 लोग अकेले हैं, बच्चों को तो क्या काउंट करो, इनकी कोई बैकबोन नहीं है, इनके आगे पीछे कोई सपोर्ट के लिए नहीं है। तो इन लोग क्या करते हैं, हमें डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। ये मैंने हर जगह देखा है, क्योंकि जैसे कि होता है ना लड़कियों के साथ, जिनका मायका नहीं होता तो ससुराल वाले डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं, वैसे ही होता है। जैसे ही क्लियर हो गया, अरे इनके तो मम्मी पापा साथ में नहीं है, पेरेंट्स नहीं है, कोई बहुत बड़ा है नहीं, इनको तो जो बोलेंगे कर लेंगे। और हम भी बहुत फ्लेक्सिबल, जैसा आप बोलें, जब आप बोलेंगे खाली कर, हम 15 बोला था, हम 15 के लिए हाँ हो गए थे, हमने सोचा 3-4 दिन में आराम से खाली हो जाएगा, एक अच्छी तरीके से हम जाएंगे सफाई करें, पर वो नहीं हो पाया। तो अपनी चीज़ों में ना बहुत क्लियर रहें, अगर अकेले हैं तो ये गलतियाँ ना करें। मान लीजिए आप भी कुछ बोलना चाहते हो। कुछ नहीं, और क्या बोल सकते हैं, जो ही है बस। वो जो मोमेंट में आई ना मालवीय जी, मुझे बहुत दुख हुआ। किराए वाले घर को मैं ग्रेटिट्यूड शो करके आई थी, मैं अपने घर को जिस तरीके से छोड़ के आई, मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा। तो इन सब बातों का ध्यान रखें, जब भी आप कहीं ऐसे शिफ्टिंग करने वाले हो या बदलने वाले हो। और एसी तो, का हमारा इतना बड़ा एसी का क्या हो रहा है कि 3 हेयर प्लस हमारा स्टैंड भी वहीं रह गया, तो वो 3 हेयर प्लस एक 700 रुपए का स्टैंड पे लगवाने के, वो जो मेन कंपनी के बंदे आते हैं ना, वो स्टैंड को भी निकाल लेते, 700 का वो स्टैंड का हमारा नुकसान हो गया है ना वहाँ पे। चलो ठीक है, जो भी है, अब 2 पंखे और वहाँ पे 2 चेयर भी वहीं रह गई, मेरे शूज नहीं मिल रहे हैं, हो सकते वहाँ रह गए। चलो दोस्तों बाय, अपना ध्यान रखना। और फ्रेंड्स, जो भी आपके सजेशंस हो घर को अरेंज करने को लेके, ऑर्गेनाइज करने को लेके, या नए घर में सेफ्टी पर्पज, या किसी भी चीज़ को लेकर, मोस्ट वेलकम है।